रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। थक हार कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। सो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज है 24 जुलाई, स्टार्ट करते हैं आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो दोस्तों आप सबको पता ही है, डेली मॉर्निंग में स्पेशल शो मैं लेकर आता हूँ, टाइमिंग रहता है 4:30 पर, तो ज़रूर डेली आप अटेंड किया करें हमारी क्लास ये, क्योंकि आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं दोस्तों। 10 मिनट में इसमें मैं लगभग आपके करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक जीके के लगभग 50 से 60 क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करता हूँ, तो आप सबको पता ही है। तो ठीक है, इसी तरह की रेगुलर वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको जरूर ऑन करें, ताकि आपको ऐसी नोटिफिकेशन मॉर्निंग में डेली मिलता रहे। एक लाइक करके मोटिवेट जरूर करें दोस्तों, हमें अच्छा लगता है जितना ज़्यादा आप लाइक करेंगे। देखिए दोस्तों, लाखों लोग देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते आप लोग, तो लाइक क्यों नहीं करते दोस्तों, क्या हमारे वीडियोज़ में कमी रहती है? तो आज आप अपना प्यार दिखा दीजिए, फटाफट जितना ज़्यादा लाइक कर सकते कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, ठीक है? शेयर करके सपोर्ट करिए चैनल को। देखिए दोस्तों, अगर आपको मैं हेल्प करता हूँ तो आप हमें सपोर्ट करने के लिए सिर्फ शेयर कर सकते हैं। अगला देखिए, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, कौन ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री बनेंगे? देखो दोस्तों, ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बनने वाले, उनका नाम क्या है? बोरिस जॉनसन। किसका स्थान लेंगे दोस्तों ये? तो ये लेंगे थेरेसा मे का स्थान लेंगे, ठीक है? तो ब्रिटेन के नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन बनने वाले हैं? उनका नाम है बोरिस जॉनसन, ये आप फोटो में देख सकते हैं, ठीक है? चलिए देखिए दोस्तों, मैं आज आपको कुछ इंटरेस्टिंग और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूँ। यूनाइटेड किंगडम, ग्रेट ब्रिटेन, ब्रिटेन और इंग्लैंड में क्या अंतर है? किसी को पता है क्या आप में से? चलिए पता है तो फटाफट बता दीजिए, चलिए नहीं पता है मैं आपको पूरा आज कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले तो आपको दोस्तों यूके का फुल फॉर्म बताना है, यूके का फुल फॉर्म क्या होता है? चलिए वेरी गुड, यूनाइटेड किंगडम ना, बिल्कुल बिल्कुल गलत है, यूनाइटेड किंगडम नहीं दोस्तों, पूरा नाम है इसका यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड। क्या नाम है? यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड, ये इसको शॉर्ट में बोलते हैं यूके, ठीक है? देखिए तो सबसे पहले हम दोस्तों जान लेते हैं यूके के बारे में। देखिए यूके क्यों बोला जाता है इसको, ठीक है दोस्तों? यूके के अंतर्गत इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, उत्तरी आयरलैंड और वेल्स आते हैं, और इन चारों समूहों को ही दोस्तों क्या कहा जाता है? यूनाइटेड किंगडम। या मैप में देखिए, ध्यान से देखिएगा, यूके के अंतर्गत इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड और वेल्स आते हैं, ठीक है? इन्हीं ग्रुप्स को, चारों ग्रुप्स को क्या कहा जाता है? यूनाइटेड किंगडम कहा जाता है। देखिए ग्रेट ब्रिटेन, ये वर्ड आपने सुना होगा, ग्रेट ब्रिटेन क्या है? तो आज दोस्तों आज मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ग्रेट ब्रिटेन दोस्तों इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स आते हैं, मैप में देखिएगा आप ध्यान से, ठीक है? इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स आते हैं, और दोस्तों इस संघ को ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता है। देखिए दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि तीनों जो अलग अलग प्रांत हैं, और इन तीनों प्रांतों की अपनी अलग संसद है, लेकिन विदेश नीति और सुरक्षा जैसे मुद्दों पर फैसला कौन करती है? ग्रेट ब्रिटेन की संघीय संसद करती है। देखिए ब्रिटेन के बारे में बता दें, देखिए दोस्तों आपको, देखिए बता दें, ब्रिटेन सब दोस्तों रोमन काल में ब्रिटानिया से लिया गया है, ठीक है? और इंग्लैंड और वेल्स को मिलाकर क्या कहा जाता है? बनता है ब्रिटेन, बनता है, ठीक है? इंग्लैंड और वेल्स को मिलाकर बनता है ब्रिटेन। और इंग्लैंड की बात करें दोस्तों, तो इंग्लैंड एक कंट्री है जिसकी की कैपिटल क्या? लंदन है। और दोस्तों मैं आपको बता दूँ, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड और वेल्स की तरह, इंग्लैंड जो है, बता दें कि इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स की तरह अपनी एक फुटबॉल और क्रिकेट टीम भी है इनकी, और इन टीमों में दोस्तों दूसरे देशों के खिलाड़ी जो इसमें शामिल नहीं होते हैं, ठीक है? दोस्तों आई होप आप सबको ये पूरा पॉइंट आज क्लियर हो गया होगा, तो कुछ इंटरेस्टिंग आप लोग आज जाने होंगे, तो इसी बात पर एक लाइक कर दीजिए दोस्तों। इसी तरह आप डेली करंट अफेयर्स देखा करें, आपके लिए डेली ऐसी मैं कुछ इनोवेशन लेकर आता रहता हूँ, ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो याद रखेंगे ब्रिटेन के नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं बोरिस जॉनसन, इनका नाम है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, नासा चंद्रमा पर पहले महिला फिर पुरुष कब तक भेजेगा? देखिए दोस्तों, अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी है नासा, ये 2024 में अपने महत्वाकांक्षी प्रोग्राम आर्टेमिस के हिस्से के रूप में चंद्रमा पर पहली महिला और फिर पुरुष भेजने की तैयारी में, ठीक है? पहली महिला भेजेगा नासा, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? देखिए नासा के बारे में दोस्तों यहाँ पे आपको जरूर जान लेना चाहिए, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन नासा से रिलेटेड पूछ लेता है। सबसे पहले तो इसका सिंपल सा फुल फॉर्म क्या होता है नासा का, पता है तो कमेंट करके बता दीजिए। देखिए इसका फुल फॉर्म है दोस्तों नासा का, देखिए नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, फुल फॉर्म याद रखेंगे, ठीक है? नासा तो ये दोस्तों एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है जो कि स्पेस प्रोग्राम, एरोनॉटिक्स और एरोस्पेस पर रिसर्च करती है, ठीक है? इसकी स्थापना कब हुई थी, अभी हाल में के एग्जाम पूछा गया था नासा की स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 में, ठीक, 1958 इसकी स्थापना की गई थी। सबसे महत्वपूर्ण है वर्तमान में इसके प्रशासक कौन है, एडमिनिस्ट्रेटर कौन है, जिम ब्रिंडेस्टाइन है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है नासा का, तो नासा का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC में, ओके, ठीक है? चलिए तो नासा पर
नासा चंद्रमा पर पहले महिला फिर पुरुष कब तक भेजेगा? 2024 तक ही भेजेगा, ठीक है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी जो है पहली महिला भेजेगा और फिर पुरुष को भेजने की तैयारी में 2024 तक, आर्टेमिस कार्यक्रम के तहत। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फटाफट। हाल ही में स्थानीय लोगों के लिए नौकरी आरक्षित करने वाला कौन देश का पहला राज्य बन गया है? देखिए दोस्तों, हाल ही में स्थानीय लोगों के लिए जो नौकरी आरक्षित करने वाला देश का पहला पहला स्टेट बन गया है, वो बन गया आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो ये स्थानीय लोगों के लिए दोस्तों आरक्षित करेगा ये, और इसमें दोस्तों जो है आंध्र प्रदेश विधानसभा ने उद्योगों कारखानों में ये आंध्र प्रदेश जो है रोज़गार पारित किया है, ठीक है। देखिए दोस्तों, आप अगर बात करें हम यहाँ पे आंध्र प्रदेश की, तो यहाँ की जो वर्तमान में सीएम है वो हैं YS जगन मोहन रेड्डी। और सबसे इम्पोर्टेंट है करंट अफेयर्स क्वेश्चन कि अभी हाल ही में नए गवर्नर बने आंध्र प्रदेश के, तो वो उनका नाम है विश्वभूषण हरिश्चंद्र, सॉरी विश्वभूषण हरिचंदन, विश्वभूषण हरिचंदन जो है यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल हैं, अभी हाल ही में बने हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, आपको बता दें कि इसमें 75% जो निजी नौकरियों को रिजर्व किया गया है। चलिए देखिए दोस्तों, और आंध्र प्रदेश के बारे में आपको कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट बताते थे जो एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। आंध्र प्रदेश का जो दोस्तों स्टेट डांस है, राजकीय नृत्य है, वो क्या है? कचीपुड़ी। कचीपुड़ी ही आंध्र प्रदेश का स्टेट डांस है, राजकीय नृत्य, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, और देखिए दोस्तों, आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है? हैदराबाद है। और प्रस्तावित राजधानी है आंध्र प्रदेश की, वो है अमरावती। और हाई कोर्ट बना है दोस्तों आंध्र प्रदेश में भी, एक नया हाई कोर्ट अमरावती में, ठीक है। तो वर्तमान में भारत में कितने हाई कोर्ट है कमेंट करके बताइए आप लोग, वर्तमान में भारत में कितने हाई कोर्ट हैं? चलिए मैं बता देता हूँ, 25 हाई कोर्ट है वर्तमान में इंडिया में, ठीक है। तो याद रखेंगे, हाल ही में स्थानीय लोगों को नौकरी आरक्षित करने वाला कौन देश का पहला राज्य बन गया है? आंध्र प्रदेश बन गया है। ओके, छत्तीसगढ़ की बात करें दोस्तों, तो ये पहला भारत का पहला जो है गार्बेज कैफ़े खोला गया है, ठीक है। गार्बेज कैफ़े खोला गया छत्तीसगढ़ में, अभी कहाँ पे? अंबिकापुर में। और केरल दोस्तों स्पेस टेक पार्क बनाने वाला पहला राज्य बन गया, ठीक है, केरल में, तिरुवनंतपुरम में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किसने हॉल ऑफ फेम टेनिस चैंपियनशिप जीती है? तो हाल ही में दोस्तों हॉल ऑफ फेम टेनिस चैंपियनशिप जीती है जॉन इस्कर, जॉन इस्नर ने, ठीक है। अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी हैं जॉन इस्नर ने, न्यूपोर्ट रोड आइलैंड में हॉल ऑफ फेम टेनिस चैंपियनशिप को खिताब जीता है, और ये उनका दोस्तों चौथा हॉल ऑफ फेम टेनिस चैंपियनशिप खिताब है। ओके, तो हाल ही में किसने हॉल ऑफ फेम टेनिस चैंपियनशिप जीती है? जॉन इस्नर ने। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हमारा क्या है, हाल ही में किसे मोहन बागान रत्न से सम्मानित किया जाएगा? करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका केशव दत्त हॉकी, और कप्तान प्रसून बनर्जी फुटबॉल, इन दोनों को सम्मानित किया जाएगा। इसमें जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाएगा वो दिया जाएगा अशोक चटर्जी को, फुटबॉल के प्लेयर हैं अशोक चटर्जी को, ठीक है, फुटबॉल के लिए। तो देखिए दोस्तों ये आप याद रखेंगे, मोहन बागान क्लब से रिलेटेड दोस्तों कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब कौन सा है? मोहन बागान है। कहाँ पे है ये? पश्चिम बंगाल में स्थित है, ठीक है, पश्चिम बंगाल। देखिए इसकी स्थापना कब हुई थी, सबसे पुराना है ये, इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 15 अगस्त 1889 में, 1889 में, 1889 में स्थापना हुई थी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। मोहन बागान के अध्यक्ष कौन है? मोहन बागान क्लब के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? श्री गीतानाथ गांगुली। कौन है? श्री गीतानाथ गांगुली हैं। तो हाल ही में किसे मोहन बागान रत्न से सम्मानित किया जाएगा? तो मोहन बागान रत्न केशव दत्त हॉकी और प्रसून बनर्जी फुटबॉल। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों हाल ही में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया गया है? देखिए दोस्तों हाल ही में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया गया 23 जुलाई को। कब? 23 जुलाई को। देखिए दोस्तों आपको बता दें कि भारत जो है हर वर्ष 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के रूप में मनाता है। क्यों मनाता है ये दोस्तों? ये इसी दिन दोस्तों आपको बता दें कि 1927 में देश में पहली बार रेडियो प्रसारण प्रसार भारती कार्यक्रम के तहत बॉम्बे स्टेशन से प्रसारित किया गया था, ठीक है। पहली बार इसी दिन 23 जुलाई को देश में पहली बार रेडियो प्रसारण प्रसार भारती प्रसारण कंपनी के तहत जो है प्रसारित किया गया था। देखिए दोस्तों इसके अलावा मैं आपको बता दूँ, 8 जून 1936 को भारतीय राज्य प्रसारण सेवा ऑल इंडिया रेडियो बन गई थी। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? 8 जून 1936 में, ठीक है। AIR, कौन कौन AIR से न्यूज़ अभी भी सुनता है आकाशवाणी से? मैं तो डेली सुनता हूँ, मॉर्निंग और इवनिंग वाली। आप अगर सुनते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। देखिए तो प्रसार भारती दोस्तों इसकी स्थापना कब की गई थी? 8 जून 1936 में आकाशवाणी, ठीक है, वॉइस फ्रॉम द स्काई। तो इसको याद रखें दोस्तों, 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए दोस्तों 11 जुलाई को प्रतिवर्ष क्या मनाया जाता है?
11 जुलाई को प्रत्येक विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 12 जुलाई की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय 12 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस मनाया जाता है, और 18 जुलाई की बात करें तो 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है। तो भी अपने अभी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, नेल्सन मंडेला दिवस 18 जुलाई को, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस 23 जुलाई को मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, अगले थल सेना उपप्रमुख कौन होंगे? अगले थल सेना उपप्रमुख यानी वाइस चीफ कौन होंगे? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, लेफ्टिनेंट जनरल MM नरवाना, ठीक है। लेफ्टिनेंट जनरल MM नरवाना दोस्तों ये अगले उपप्रमुख होंगे, ठीक है। देखिए वर्तमान में भारत के थल सेना अध्यक्ष कौन है? जनरल बिपिन रावत हैं, ठीक है, जनरल बिपिन रावत। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हमारा हाल ही में 21वें राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? तो भारत ने दोस्तों टोटल जीते हैं 7 गोल्ड मेडल 7। अब ये कहाँ पे हुआ था दोस्तों? तो टेबल टेनिस में आपको बता दें कि भारत ने 21वें राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप में 7 गोल्ड मेडल जीते। कहाँ पे हुआ ये? तो ये हुआ दोस्तों ओडिशा कटक में, ठीक है, ओडिशा कटक में हुआ है, ओके। तो याद रखें कि राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप में भारत ने टोटल 7 गोल्ड मेडल जीते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारत और किस देश के बीच हैंड इन हैंड नामक सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया है? तो किसके बीच आयोजित किया गया? भारत और चाइना के बीच, ठीक है। देखिए दोस्तों यह अभ्यास उमरोई मेघालय में किया जाएगा, ठीक है, उमरोई मेघालय में। और इसमें दोस्तों आपको बता दें दोनों पक्षों की तरफ से 100-120 सैनिकों को शामिल किया जाएगा, और यह विशाल अभ्यास आतंकवाद रोधी और मानवीय सहायता और आपदा राहत अभियानों के आधार पर आयोजित किए जाएंगे, ओके फ्रेंड्स। तो हाल ही में किस देश के बीच हैंड इन हैंड नामक सैन्य अभ्यास आयोजित किया जाएगा? भारत और चाइना के बीच। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, किसे हाल ही में राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस महासंघ का चेयरमैन चुना गया है? देखिए दोस्तों हाल ही में राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस महासंघ का चेयरमैन चुना गया विवेक कोहली को, विवेक कोहली को। देखिए इसमें महासचिव भी चुना गया है, तो महासचिव किसको बनाया गया है? MP सिंह को, MP सिंह को बनाया गया है जनरल सेक्रेटरी, और चेयरमैन बनाया गया है विवेक कोहली को, ओके। तो हाल ही में राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस महासंघ का चेयरमैन किसको बनाया गया है? विवेक कोहली को, विवेक कोहली। अब देख लेते हैं लास्ट वीडियो का आंसर, हाल ही में पर्यावरण मंत्रालय ने ब्लू फ्लैग प्रमाणन के लिए कितने समुद्र तटों को चुना है? तो देखिए दोस्तों पर्यावरण मंत्रालय ने ब्लू फ्लैग प्रमाणन के लिए टोटल 12 समुद्र तटों को चुना था। आज का सवाल देख लेते हैं, जिसका आंसर आपको फटाफट कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है। हाल ही में किसे राष्ट्रपति के संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्ति अगर ज्वाइंट सेक्रेटरी के रूप में किसे अपॉइंटमेंट मिला है? फटाफट से दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। वीडियो लाइक कर दें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।